हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूंगी एक हेयर केयर ब्रांड जिसका नाम है वैदिक्स। और वैदिक्स जो है वो एक नेचुरल, एक आयुर्वेदिक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है जिसमें कि आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपनी हेयर केयर नीड के अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। और साथ वैदिक्स का कंसेप्ट शेयर करूंगी जो कि कस्टमाइज आयुर्वेदिक हेयर केयर रिजीम है जो कि नेचुरल बेस्ड है। इसके इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी नेचुरल ही ऐड किए गए हैं, जिसमें कि काफा, वत और पित्त ये इस पर बेस्ड हैं। और जो वैदिक्स है वो उसका कंसेप्ट सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। आप अपनी हेयर केयर के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि जब आप इसके साइट पर विजिट करते हैं तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको क्वेश्चनेयर फिल करना है। और ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है ये, बल्कि ये क्वेश्चन जो है ये काफी डीपली पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि आपकी एज, आपकी डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आपका हेयर कलर क्या है, हेयर की वॉल्यूम कैसी है, आपके नेल्स का कलर कैसा है, लिप्स का कलर कैसा है, आपके आईज का कलर कैसा है, आपसे सारे क्वेश्चन डीपली पूछे जाएंगे। अगर आप फीमेल है तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, रेगुलर है या इरेगुलर है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, कलर तो नहीं करवा रखा, और आपके हेयर कैसे हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, ऑयली है, या आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है या ड्राई है आपकी स्किन। तो इन सब क्वेश्चनर को फिल करने के बाद आपको काफा, वत और पिता इनमें से आपको कौन सा ब्रांड दिया जाएगा, या फिर आपकी बॉडी या हेयर के अकॉर्डिंग आप इस आपको इनमें से क्या कस्टमाइज होगा आपके लिए उसके। फ्रेंड्स, इस वजह से जो वैदिक्स है वो अपने आप को काफी यूनिक बनाता है, काफी कस्टमाइज है, और आई थिंक इंडिया का नंबर वन नंबर पर एक कस्टमाइज ब्रांड है। आप देख सकते हैं मेरे पास वैदिक्स के दो बॉक्सेस हैं और इनमें से जो एक है वो मैं यूज कर सकी हूँ, जो ऑलरेडी खाली है, मेरे वॉशरूम में रखे हैं ये। और इसमें आपको शैम्पू, सीरम, और इसमें आपको शैम्पू, ऑयल और सीरम, ये तीन चीज मिलेगी। तो मैं आपके सामने ये अभी सील पैक है, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको एक जूट का बैग मिला है और इसकी जो प्लास्टिक है वो भी काफी थिक है। नंबर फर्स्ट नंबर पर आपको मिल रहा है वैदिक्स का ऑयल, ये देख सकते हैं आप, देन वैदिक्स का शैम्पू, और थर्ड नंबर पर इस बैग के अंदर है जो है ये है सीरम, ये देख सकते हैं आप, ये सीरम। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने वैदिक्स क्यों लिया और मेरा वैदिक्स यूज करने के पीछे का क्या रीजन था, तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो मेरी जो स्कैल्प है वो काफी ऑयली रहती है, और क्योंकि मेरी स्किन भी ऑयली है और स्कैल्प ऑयली होने की वजह से डैंड्रफ काफी रहता है स्कैल्प में, और जो स्कैल्प से ही चिपका रहता है, और स्कैल्प ऑयली होने की वजह से हेयर फॉल भी काफी होता है। और एक्चुअली वैदिक्स लेने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिफोर मैरिज जो मेरे जो हेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट, सिल्की और शाइनी थे, और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थिक थी। मेरे हेयर का जो टेक्सचर था वो काफ़ी ज़्यादा सिल्की और शाइनी था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट था। मुझे स्ट्रेटनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस हेयर वॉश करा, कंडीशनर एंड सीरम अप्लाई करने के बाद जो मेरे जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट अपने आप ही हो जाया करते थे, और मैंने कोई हेयर कलर नहीं करवा रखा। एक्चुअली मेरे जो नेचुरल हेयर कलर है वो इतना है, ज़्यादा जेट ब्लैक कलर है। जिस बिफोर मैरिज मैं आपको अपने हेयर्स की बैक टू बैक ईयर्स की पिक्स दिखाती हूँ, जिससे कि आप अच्छे से देख पाएंगे कि जो बिफोर मैरिज जो मेरे हेयर्स का जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शाइनी था और काफ़ी सिल्की हेयर थे और स्ट्रेट भी काफ़ी ज़्यादा थे। और बट आफ्टर मैरिज जो मेरा हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डल हो गए, काफ़ी ज़्यादा रफ हो गए, फ्रिजी हो गए, क्योंकि कहते हैं ना कि हवा पानी चेंज हो जाए तो कई बंदों को सूट नहीं होता, काफ़ी बंदों को प्रॉब्लम होती है, बॉडी भी ज़्यादा बॉडीज में चेंजेस आते हैं और हेयर्स में भी चेंजेस आते हैं। तो वही सब मेरे साथ हुआ आफ्टर मैरिज, जो हवा पानी चेंज होने की वजह से मेरे जो हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो गए, काफ़ी फ्रिजी हो गए और हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था। तो हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से और फ्रिजीनेस होने की वजह से मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से मैंने फेसबुक और इंस्टा पर काफ़ी जगह मैंने वैदिक्स की ऐड देखी। इंडिया में बहुत लाखों बंदों ने वैदिक्स को यूज़ करा है। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी फीडबैक देखने के बाद मैंने भी फिर इसे ट्राई करने के लिए डिसाइड किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरा मैंने एक्चुअली वैदिक्स को कुछ महीने पहले लिया था, बट किसी रीजन की वजह से मैं इसको कंटिन्यू यूज नहीं कर पाई थी। बट अब आप जो वैदिक्स लेंगे उसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, उसमें जो आपको चीज़ें वही हैं बट पैकेजिंग थोड़ी उन्होंने चेंज कर दी है। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने उसकी साइट पर गई, मैंने क्वेश्चनेयर फिल किया, उसके बाद मुझे
3 months का प्लान अच्छा लगा जो कि 999 में था। सिर्फ और सिर्फ 999 में मुझे सारा का सारा प्रोडक्ट मिला है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो फर्स्ट जो ऑयल है उसको मैं इतना फिनिश कर चुकी हूँ। और इसमें जो 3 स्टेप्स है, ऑयल, शैम्पू और कंडीशनिंग, सॉरी, और इसके जो 3 स्टेप्स है वो है ऑयल, शैम्पू और सीरम। और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका सीरम। इसका जो शैम्पू है वो शैम्पू के साथ साथ वो आपको इतनी अच्छी कंडीशनिंग भी करता है आपके हेयर्स की कि आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती। तीखी या फिर फ्रेग्रेंस जो है इसकी वो काफी ज्यादा नहीं मिलेगी। आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं जो कि आपके दिमाग में भी नहीं चढ़ेंगे। काफी बंद होते हैं कि जिसकी काफी जो तेज स्मेल होती है वो दिमाग में चढ़ती है जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर पाते हैं। बट इसकी जो स्मेल है वो काफी लाइट है, काफी अच्छी है, नेचुरल है। और मुझे इसके साथ मिला है एंटी हेयर फॉल शैम्पू जिसकी जो ये आपको मिलेगा 100 ml, ये 100 ml है। और जो ये सीरम है वो एक्चुअली 50 ml का है। ये देखिए इसको ऐसे इसमें ड्रॉपर मिलता है। ये देखिए आप ड्रॉपर की हेल्प से इसको अपनी स्कैल्प में अच्छे से लगा के और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए अपने हेयर्स की मसाज करके और आप टाई अप करके सो सकते हैं रात को आराम से। बट ये आपको शैम्पू करने के बाद लगाना है सीरम जो कि बेस्ट पार्ट है। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 या 4 बार ही इसको यूज करा है और सिर्फ 3 या 4 बार यूज करने से ही जो मेरे हेयर फॉल है वो काफी ज्यादा कम होने लग गया है और जो मेरे हेयर्स की जो शाइनिंग है वो भी लौट आई है पहले की तरह ही। मुझे और सिर्फ 3 या 4 बार यूज करने पर ही सीरम का मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला कि मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करूं। फ्रेंड्स, आपको इसके साथ एक पैम्पलेट भी मिलती है। पैम्पलेट में आपको कैसे सीरम यूज करना है, कैसे ऑयल्स यूज करना है, आपको किस टाइम पर यूज करना है, वीक में कितनी बार आपको यूज करना है, उस पैम्पलेट में आपको सब कुछ लिखा होगा। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई हेयर केयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वैदिक्स जरूर यूज करें। अगर आपको 3 मंथ्स का प्लान लेना है या फिर 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का प्लान लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे ले सकते हैं। और आप इतनी डीपली क्वेश्चनेयर पूछने के बाद, उसका जवाब देने के बाद आपको इतना अच्छा रिसीव होएगा ये प्रोडक्ट कि आपको जरूर सूट होगा। दैट्स इट फ्रेंड, ये था मेरा वेदिक्स का ऑनेस्ट रिव्यू जिसको मैंने शेयर करा है और मैं यूज कर रही हूँ अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिए आप। ओके, देन बाय बाय, टेक।